रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं मिक्स नाइन लाइफ। आपको बताते चले कि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है एसडीएम ज्योति मोर्या का केस। लगातार ज्योति मोर्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आलोक ज्योति और मनीष का मुद्दा इतना ज्यादा चर्चा में आ चुका है कि यहाँ पर सवाल पूछ रही है अब जनता कि आखिर इस मामले में क्या होगा। ऐसे में आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जनता की राय की। जी हाँ, जनता की क्या राय है तो आपको बताते चले कि अभी तक मामला उत्तर प्रदेश की पुलिस देख रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी, जांच कमेटी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जैसे ही जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो आलोक मोर्या ने इस केस में यू टर्न ले लिया। उन्होंने पत्नी पर लगाए गए सारे आरोप वापस ले लिए, जिसके बाद एक बार फिर से आलोक को लेकर चर्चा होने लगी। जो छवि अभी तक एसडीएम ज्योति मोर्या की धूमिल हुई थी, अब सवाल आलोक मोर्या की छवि पर उठ रहे हैं कि क्या आलोक मोर्या ने अपनी पत्नी ज्योति मोर्या के खिलाफ झूठ बोला था या फिर झूठे सबूत मीडिया वालों को दिखाए थे खुद को विक्टिम बनाने के लिए। इसी के साथ आपको बताते चले कि अब खबर आ चुकी है कि जनता ने सीधे तौर पर शिकायत और डिमांड करी है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से ज्योति मोर्या के केस के खिलाफ। क्या कुछ कहा है जनता ने, देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर से ज्योति मोर्या को लेकर आ चुकी है बहुत ही बड़ी खबर सामने। दरअसल अब जहां आलोक मोर्या ने स्टेटमेंट सामने दिया है और स्टेटमेंट देने के बाद ये कहा है कि वो अपनी पत्नी ज्योति मोर्या पर केस नहीं लगाना चाहते। अपनी पत्नी ज्योति पर जो आरोप या केस या चार्जेस उन्होंने लगाए थे रिश्वत के मामले पर, वो सभी चार्जेस आलोक ने वापस ले लिए। ये इंटरव्यू आलोक मोर्या का 28 अगस्त के दिन आया था, जिस दिन जांच कमेटी के सामने पेश हुए थे आलोक मोर्या। 20 दिन का वक्त जांच कमेटी ने आलोक मोर्या को दिया था सबूतों को सौंपने का, और साथ ही यहां पर कहा था कि सबूतों को सौंपना होगा जिन सबूतों के आधार पर आलोक ने एसडीएम ज्योति मोर्या पर आरोप लगाए हैं। इसके बाद आलोक मोर्या जब लौटे थे पहली पेशी के बाद जांच कमेटी के बाद मीडिया वालों के सामने, और मीडिया वालों ने जब आलोक मोर्या से सवाल किया था कि क्या यहाँ पर उनके पास वो सबूत है जो सबूत 20 दिन बाद वो सौंपने वाले हैं जांच कमेटी को, तो आलोक मोर्या ने सीना तान कर सीना ठोक कर ये बात कही थी कि उनके पास वो सारे ठोस सबूत हैं जो ज्योति मोर्या के खिलाफ हैं और अब ज्योति मोर्या को कोई नहीं बचा सकता। सबको लग रहा था कि 20 दिन बाद जब आलोक मोर्या लौटेंगे तो एक नए अंदाज के साथ लौटेंगे, और यहाँ पर जो जिन सबूतों की वो बात कर रहे हैं या जो सबूत उन्होंने अभी तक दिखाए हैं ज्योति मोर्या के खिलाफ, शायद वो सारे सबूत लेकर लौटेंगे 28 अगस्त को। सभी की निगाहें 28 अगस्त के दिन पर थी, लेकिन जब जांच कमेटी पर पहुंचे आलोक मोर्या, उनसे सवाल जवाब किए गए तो सवालों का जवाब भी नहीं दिया आलोक ने, और सीधा कह दिया कि वो ज्योति मोर्या पर उन्होंने जो रिश्वत लेने का आरोप लगाया था वो आरोप अब वो वापस लेते हैं। वो उसमें ना तो कुछ बोलना चाहते हैं और ना ही अपनी पत्नी पर इसका कोई भी केस करना चाहते हैं। अब जब आलोक मोर्या सामने आए और उनसे पूछा गया कि क्या हुआ अंदर जांच कमेटी में, तो उन्होंने मीडिया वालों को बता दिया कि उन्होंने केस वापस ले लिए। जो चार्जेस एसडीएम ज्योति मोर्या पर लगाए थे वो सारे चार्जेस उन्होंने वापस ले लिए, उन्हें अब कुछ नहीं कहना। ये कहकर वो मुंह छिपाकर मीडिया वालों से भाग गए। अब इसी के साथ आपको बताते चले जनता की राय। आलोक के इस इंटरव्यू के बाद अब जनता राय कर रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को आदित्यनाथ से डिमांड कर रही है कि वो ज्योति मोर्या के केस में कोई एक्शन ले और ज्योति मोर्या को सजा दे और आलोक मोर्या को इंसाफ। तो सबसे पहले आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिनकी डिमांड है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। आज फैंस डिमांड पर हम चर्चा करेंगे, और सबसे पहला जो कमेंट आया है वो है मिजनानुर रहमान का, जो लिखते हैं योगी आदित्यनाथ जी प्लीज टेक एक्शन अगेंस्ट ज्योति मोर्या थ्रू आलोक मोर्या टुक बैक हिज एलिगेशंस अगेंस्ट ट्रेंस्ड वाइफ ज्योति मोर्या। Judge committee should be served the property and bank balance of Jyoti Moria. Then judge committee will be declare whether Jyoti is corrupted or not. यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी आप कोई कड़ा एक्शन लीजिए ज्योति मोर्या के खिलाफ, क्योंकि आलोक मोर्या ने जो एलिगेशंस ज्योति मोर्या पर लगाए थे उससे तो उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए। अब जांच कमेटी, यहाँ पर जो जांच कमेटी के जज हैं
उन्हें ज्योति मोर्या की प्रॉपर्टी और उनके बैंक बैलेंस खंगालने चाहिए, जिसके बाद जज कमेटी और जांच कमेटी ही ये फैसला लेगी कि ज्योति मोर्या करप्टेड है या फिर नहीं, उस पर जांच होनी चाहिए या फिर नहीं। ये साफ तौर पर कह दिया है यहाँ पर इस शख्स ने, और डायरेक्ट सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग कर रहा है कि वो ज्योति मोर्या के मामले में बड़ा एक्शन ले। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अगले कमेंट की ओर। अगला कमेंट है ओम प्रकाश का, जो लिखते हैं, अ पर्सन शुड नो द ट्रूथ बिफोर से समथिंग। जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने आलोक मोर्या के इस नए और चौंकाने वाले इंटरव्यू को सुनने के बाद साफ तौर पर कह दिया कि हर शख्स सच जानता है बोलने और सुनने से पहले। इसी के साथ अगला कमेंट है यूजर्स के नेम से, जो लिखते हैं, मनीष दुबे ज्योति मोर्या कभी सुखी नहीं रहेंगे, जीवन में जनता का श्राप है, किसी का घर बिगाड़ कर अपनों का बनाना अच्छी बात नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर सभी को लग रहा है कि ज्योति और मनीष दुबे के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से ही आलोक और आलोक के साथ घर टूट रहा है ज्योति मोर्या का, और इसकी वजह ज्योति और मनीष दुबे है और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जिंदगी पर जनता का ये श्राप है कि वो कभी भी खुश नहीं रहेंगे, दूसरे का घर तोड़कर अगर वो अपना घर बनाएंगे या सपनों का महल सजाएंगे तो वो महल कभी भी खड़ा नहीं होगा। जी हाँ, इसी के साथ आपको बताते चले और बढ़ते हैं अगले कॉमेंट की ओर। अगला कॉमेंट है सैमुचर पैच, अगला कमेंट है सैमुचरण का, जो लिखते हैं, आलोक मोर्या अगर झूठा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी हाँ, ये कमेंट भी तब आया जब आलोक मोर्या ने ये चौंकाने वाला स्टेटमेंट दे दिया, जब उन्होंने सबके सामने ये कह दिया कि अब उन्हें ज्योति मोर्या के खिलाफ कुछ नहीं कहना, ज्योति मोर्या के खिलाफ जो उन्होंने चार्जेस लगाए थे रिश्वत लेने के, वो चार्जेस वो वापस ले चुके हैं और अब उन्हें इस मामले पर ना तो कुछ कहना है ना ही कुछ बोलना है। इसके बाद जो कमेंट आया है यहाँ पर, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर आलोक मोर्या ने एसडीएम ज्योति मोर्या की छवि धूमिल करने की कोशिश की है या फिर खेल खेलने की कोशिश की है ज्योति मोर्या के साथ, या उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है, या फिर ज्योति मोर्या के खिलाफ झूठा बयान दिया है, तो यहाँ पर सख्त से सख्त कार्यवाही ज्योति मोर्या नहीं बल्कि आलोक मोर्या के खिलाफ होनी चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सजा भी देनी चाहिए, क्योंकि ज्योति मोर्या को बदनाम करने की कोशिश आलोक मोर्या ने की है, पहले झूठे आरोप लगाए और जब आरोपों का सबूत नहीं सौंप पाए तो केस वापस ले लिया। तो यह है पूरी खबर ज्योति और आलोक मोर्या को लेकर, जनता की राय क्या है, सीएम योगी आदित्यनाथ से किस तरह से चर्चा कर रहे हैं, ये सारे खुलासे आप सबके सामने कर दिए हैं हमने इस रिपोर्ट के जरिए। कैसी लगी आपको रिपोर्ट जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने ये आज की खास रिपोर्ट, ज्योति मोर्या के मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ से किस तरह जनता बार बार राय मांग रही है, डिमांड कर रही है, मांग कर रही है कि ज्योति मोर्या के केस में अब सीएम योगी आदित्यनाथ को ही एक्शन लेना होगा, वरना ये केस यूं ही तूल पकड़ता रहेगा। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, पर अपनी राय देना बिल्कुल ना भूले कि क्या वाकई इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ को एक्शन लेने की जरूरत है या फिर नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।